الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم स्टूडेंट्स, हम अपना आज के लेक्चर में न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट 5 कौन सा है? फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपलीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट. इन इस चैप्टर में आप ये सारी चीजें कवर करेंगे. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन का है, और फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है आप उससे फेमिलियर होंगे. तो सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन का मतलब आपको बता दूंगी. फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर या कोई भी एक्सप्रेशन हो, उनको मल्टीपल फॉर्म में ब्रेक करना. जैसे हमारे पास एक नंबर है 8. आप नंबर की बात करेंगे तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? 2 × 2 × 2, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8. ठीक है, एक नंबर है उसको हमने मल्टीपल फॉर्म में ब्रेक कर दिया. अगर कोई एक्सप्रेशन है तो हम उसको किस तरीके से फैक्टराइज करके मल्टीपल फॉर्म में ब्रेक करेंगे. वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5.2 है, हम उसको सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, या आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं फॉर्मूलाज. मैं यहाँ पे रिकॉल कर रही हूँ आपको फॉर्मूला. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसी तरह हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. थर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी. इन दोनों फॉर्मूलाज में हमारे पास सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है. आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट की स्क्वायरिंग हो रही है. ये a के ऊपर जो स्क्वायर फॉर्मूले का है, प्लस साइन है क्योंकि ब्रैकेट में पीछे प्लस है, और 2b फॉर्मूले का है. फिर हम क्या करें, a और b को मल्टीप्लाई करें और देन प्लस b का स्क्वायर करें. ये जो स्क्वायर और 2 आपको नजर आ रहे हैं फॉर्मूले का है. अब नेक्स्ट फॉर्मूला भी हमारे पास होल स्क्वायर है, सिर्फ माइनस का फर्क है. इन दोनों फॉर्मूलाज में माइनस का फर्क है. नाउ नेक्स्ट, अब इधर देख सकते हैं, मैं इसको होल स्क्वायर रीड नहीं कर रही, इसको क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट में. डन. और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखें जब आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी, तो मेरे फ्रॉम मे बी मुझे वो दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं ए और बी. क्लियर है? इसी तरह यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पे भी मिडिल टर्म में ए और बी. आपको पता है इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसे मिडिल टर्म कहते हैं, इसे लास्ट टर्म कहते हैं. ये बात आपको पता होनी चाहिए. मिडिल टर्म हमारे पास फर्स्ट और लास्ट हमेशा स्क्वायरिंग की होती है. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा स्क्वायरिंग की होती है, और मिडिल टर्म हमारे पास अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से होगा. और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो प्लस और माइनस की होती है. ठीक है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है. इसमें जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है स्क्वायरिंग की जो है वो प्लस की है, दोनों फॉर्मूलाज में आपको देख लें. लेकिन जो मिडिल टर्म है वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी होती है. इट इज क्लियर? नाउ अब हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स. इट मींस हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी, उसको हमने ब्रेक करना है मल्टीपल फॉर्म में, मतलब ब्रैकेट्स की फॉर्म में. वो ब्रैकेट्स क्या करेंगे, आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बीच में प्लस और माइनस की टर्म्स नजर आ रही है. इट मींस ये हमारे पास फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर आना है. ठीक है, अब किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाए हैं अभी, इसको याद करना है और इस पर इसको अप्लाई करना है इन क्वेश्चन में. अब आपके पास तीन चीजें ऐसी हैं जो स्क्वायरिंग की फॉर्म में है. अब सबसे पहले ऐसी बात है, इस जो सवाल में हम अप्लाई करेंगे दो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एक हमारे पास होल स्क्वायर वाला होगा और एक थर्ड वाला होगा. ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो सकता है ए माइनस, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा. तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो इन दोनों पे लगाना है. ठीक है, तो मिडिल टर्म देखते हुए हम प्लस और माइनस पे डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है. तो अब इधर देखिए, पहले मुझे इन तीन टर्म्स को सिलेक्ट करना है जिसपे हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब मौजूद होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर में. सही, इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर में. तो अब मुझे इनमें से वो तीन टर्म सिलेक्ट करनी है. ठीक है,
आपको देखें इसमें क्या तरीका है तीन ड्रम सिलेक्ट करने का। हमारे पास सबसे पहले देखना है कि इसमें मिडिल ड्रम कौन सी बन रही है, ठीक है। तो मिडिल ड्रम आप देख सकते हैं, देखिए ये भी स्क्वायरिंग वाली ड्रम है, ये भी स्क्वायरिंग वाली ड्रम है, देखिए इसके ऊपर तो स्क्वायर नजर आ रहा है। लेकिन क्या टू किसी का स्क्वायर हो सकता है? आप दूसरी लैंग्वेज में ही कह सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, यस। इसका भी स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, और वन का भी स्क्वायर रूट निकल सकता है। जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकलता है हम उसको टिक लगा देते हैं। लगा लिया, जो बाकी टर्म रिमेनिंग बचेगी वो हमारे पास मिडिल टर्म होगी, क्लियर है। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकल गया, इसका स्क्वायर रूट निकल गया और इसका स्क्वायर रूट निकल गया। बाकी जो मिडिल टर्म है वो क्या है हमारे पास, जो रिमेनिंग है वो मिडिल टर्म है। अब हमारे पास है मिडिल टर्म में कौन सा वेरिएबल आ रहा है, ए, ठीक है। इस मिडिल टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, जब हमारे पास ए की वेरिएबल आता है मिडिल टर्म में तो एक तो जो है वेरिएबल नजर आ रहा है उसके साथ देखेंगे हम उसको, और दूसरा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। जो बी वाला है वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? दूसरी दोबारा से मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, हमने तीन टर्म्स को निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, दो तो स्क्वायरिंग वाली टर्म है और जो बीच वाली टर्म है इस पर स्क्वायरिंग नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बीच वाली टर्म होती है मिडिल टर्म, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो आपको मैंने बात यहाँ पर समझा दी कि तीन टर्म मुझे चूज करनी है, एक तो मिडिल टर्म और दो स्क्वायरिंग वाली टर्म। तो फर्स्ट की स्क्वायरिंग वाली ये भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था। आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास कि बाकी जो बची हुई रिमेनिंग टर्म क्या थी, मिडिल टर्म वो ये थी। अब वो मिडिल टर्म हो गया, मिडिल टर्म हमारे पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो पहला वेरिएबल तो ए स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा कॉन्स्टेंट होगा लाजमी, जब एक ही वेरिएबल आपको नजर आ रहा है। और दूसरी बात जो ये बताने की है, देखिए इसमें जो बी स्क्वायर है वो माइनस का है, तो इसको तो मैं ले ही नहीं सकती थी क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आपको देख रहे भी सकते हैं फॉर्मूले में, इन दो फर्स्ट और लास्ट हमेशा पॉजिटिव है, तो बी स्क्वायर को तो मुझे वैसे ही नहीं लेना था। ये दो बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब इस पर हम काम करते हैं, इसको सबसे पहले अरेंज करके लिखना है, ठीक है। अरेंज करते हुए हम क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर लिखा हमने, अब माइनस का टू ए लिखा और प्लस का वन लिख दिया। जो माइनस का बी स्क्वायर उसको हमने साइड पे रख दिया क्योंकि फार्मूला मुझे तीन टर्म्स पे लगाना है, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है मिडिल टर्म माइनस का है, माइनस की है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसमें बंद हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू, अब देखिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, खाली ब्रैकेट बनाए स्क्वायरिंग ताकि अंदर वैल्यूज आसानी से आप पुट कर सकें, ठीक है। मैंने कुछ फिर नहीं किया, इसके ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले का लगा दिया, ये खाली छोड़ दिया, माइनस टू फॉर्मूले का, ये दो मल्टीप्लाई वाले ए और बी इसको छोड़ दिया, और बी इसके ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले लगा इसको भी छोड़ दिया। अब इस पर हम काम करते हैं तीन टर्म्स, तो अंदर क्या आ जाएगा, यस आपको पता है ए, ए का स्क्वायर मिल गया माइनस, अभी इसको छोड़ दें हम लास्ट टर्म पे काम करेंगे। इधर क्या है, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, वन का क्यूब भी वन होता है, वन ऐसा नंबर है जिसका जो भी निकालेंगे पावर वो हमेशा वन ही निकलेगा, सेम निकलेगा, ठीक है। अब इधर देखिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या मिल गई, हम यहाँ पे जब पुट करते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर करते हैं, तो जो ए की वैल्यू होती है इधर लिखी जाती है, जो बी की वैल्यू होती है जो इधर लिखी जाती है। तो जो अंदर वाली वैल्यू होती है स्क्वायर का मत देखिएगा, अंदर क्या हमारे पास बी की वैल्यू वन है और ए की वैल्यू क्या है, खुद इट सेल्फ ए है, तो ए और यहाँ पे वन, क्लियर। देखिए ए स्क्वायर माइनस का टू ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू ए और प्लस वन का स्क्वायर, ये फॉर्मूले की फॉर्म में ब्रेक हो गया, माइनस बी स्क्वायर को हमने अपनी जगह पर एड्रेस छोड़ दिया। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बंद होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर में, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे वहां से, ए मिल गई, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू क्या है वन और स्क्वायर होल स्क्वायर टू फॉर्मूले का गया, ठीक है, डन। और माइनस बी स्क्वायर अपनी जगह पर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आपको स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है, कि हमने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ए माइनस बी होल स्क्वायर के ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ऑलरेडी ए है और बी क्या है वैल्यू है, इधर वन है, तो हमने यहाँ पुट कर दी और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको बंद कर दिया, बी स्क्वायर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टू है, एक हमारे पास ये है और दूसरी हमारे पास ये है,
एक हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली है और एक बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर, यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं ए और बी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर हो रहा है और बी का स्क्वायर हो रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मैंने क्वेश्चन से पहले ही बता दिया था कि इस वाले एक्सरसाइज में हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम ये वाला यूज करेंगे देन ये वाला अप्लाई करेंगे, सही है। तो हमारे पास अब कौन सा अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे मीन ऑफ दैट करके लिख देते हैं, यहाँ पे भी आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो हम पुट करते हैं इस ब्रैकेट में, जो स्क्वायर तो फॉर्मूले का है, जो अंदर आएगी यही वैल्यू पुट की जाएगी। इसी तरह स्क्वायर फॉर्मूले का होता है, जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो बी की होती है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। देन तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आप बताएं शाबाश, जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज ए माइनस वन। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी बी है, तो ए की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट हमें मौजूद है, हम आगे इस पे काम करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो फैक्टर्स की फॉर्म में हमें सिर्फ इस फॉर्म में लेकर आना है, ये हमारे पास फैक्टर की फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये फैक्टर्स की फॉर्म है, तो हमें रिजल्ट इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए माइनस वन, और बी की वैल्यू क्या है, बी। देखे सर, ए की वैल्यू क्या थी, ए माइनस वन पुट कर दी, फिर प्लस साइन फॉर्मूले की आ गई, और बी की वैल्यू क्या थी, बी पुट कर दी। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए माइनस वन माइनस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू बी। डन, तो ये हमारे पास फैक्टराइज में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, इसमें कन्वर्ट कर दिया फैक्टर्स में। देखिए, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर रिजल्ट जो क्वेश्चन है वही बन जाएगा वापस से, सही। तो हमारे पास ये क्वेश्चन फैक्टर्स की फॉर्म में हो गया ब्रेक। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, जिससे आपको मजीद और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। सॉल्यूशन के बाद हम वन टाइम क्वेश्चन उतारते हैं, आपको ये पता है बात, तो आप लोगों ने उतार लेना है, सही है। अब इसमें देखिए वही तरीके का आ रहा है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फोर है, तो हमें दो फॉर्मूला पहले अप्लाई करने हैं मिडिल टर्म को अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब तो मिडिल टर्म हमें चूज करनी है, कैसे पता चलेगा, आपको बता चुकी हूँ, ये स्क्वायर की फॉर्म, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, ये भी स्क्वायर वाली फॉर्म है, इसका भी स्क्वायर रूट निकल सकता है, और वन का भी स्क्वायर रूट निकल सकता है, लेकिन टू एक्स वाई का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो अब इधर देखिए हमारे पास, तो ये मिडिल टर्म बन गई, ये क्या चीज है हमारे पास, मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म में कितने वेरिएबल आ रहे हैं, दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो पहला क्या होगा एक्स और दूसरा क्या होगा वाई, क्लियर है। तो पहला हमारे पास एक्स स्क्वायर मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, वाई स्क्वायर। अब आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो दोनों साइन है वो माइनस की है, लेकिन जो फॉर्मूले का आपको बता चुकी हूँ, जो स्क्वायरिंग वाली टर्म है, ये वाली स्क्वायरिंग वाली और ये वाली स्क्वायरिंग वाली टर्म, दोनों प्लस में होनी चाहिए। ये देखिए शुरू में कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों क्या है, माइनस में है। तो अब आप थोड़ा सा अपने जहन पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, अपना माइंड यूज करें कि इस माइनस को प्लस में करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, नया तो मल्टीप्लीकेशन हो सकती है माइनस के साथ, तो फिर हम और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेने वाला, क्या काम कर सकते हैं, जिसमें हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए कॉमन माइनस लूंगी, देखिए इन दोनों के आगे माइनस साइन है, तो आपको पता है कि जब भी हम साइन कॉमन लेते हैं माइनस, तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, जो माइनस में होंगी वो प्लस में और जो प्लस में होंगी वो माइनस में, तो साइन जो माइनस की है वो हम कॉमन जब लेंगे तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस, वाई स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर है। जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, तो आप मल्टीप्लाई करके चेंज कर लें या डायरेक्टली चेंज कर लें। देखिए ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था ये माइनस का। अब मैंने क्यों साइन चेंज करी, आपको मैं बता चुकी हूँ कि फॉर्मूले में फर्स्ट और लास्ट हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। डन, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म बीच में आती है, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। डन, अब हमें पता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज है, ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर।
मिडिल टर्म माइनस की है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, किसमें बंद हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर में। क्लियर है? नाउ फॉर नेक्स्ट, अब देखें इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक कर देती हूँ। टू फॉर्मूले का ये स्क्वायर भी फॉर्मूले का टू फॉर्मूले का, अच्छा वैल्यू पुट नहीं कर रही अभी, एक्स वाई खाली बनाते हैं हम लोग। ये देखिए इसको शो कर रहा है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को। तो अब इधर हम इसको देखते हुए पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा एक्स, लास्ट पे आ जाएंगे वाई। अब फर्स्ट टर्म क्या हो गई एक्स और लास्ट टर्म क्या हो गई वाई, ठीक है। अब हम काम करते हैं वन माइनस, तो अब आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स, इसमें कन्वर्ट करें, इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि ए की वैल्यू एक्स है माइनस की साइन, बी की वैल्यू क्या है वाई और होल स्क्वायर आ गया, डन। अब हमारे पास हमें पता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है दो टर्म से, और ए की इसकी भी स्क्वायरिंग है और इसकी स्क्वायरिंग भी है, तो वी नो दैट हमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आता है ए प्लस बी ब्रैकेट में और इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी, डन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वन, अब इधर क्या है बी की वैल्यू क्या हो गई एक्स माइनस वाई। क्लियर है? ए की वैल्यू क्या है वन मिली और बी की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वाई। तो हम यहाँ पुट करेंगे इस वाले, देखिए ये फॉर्मेट क्वेश्चन का है इधर से आ रहा है, और हम कन्वर्ट इसमें करेंगे फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ये ऑलरेडी लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्वायरिंग के फॉर्म में, तो रिजल्ट हमारे पास इक्वल टू का राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वन, बीच में कौन सा आ रही है प्लस की आ रही है, और जो बी वाली वैल्यू ब्रैकेट में है तो मैं इसको ब्रैकेट में ही एज इट इज ऐसे लिख रही हूँ। वजह भी आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि आप इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। दूसरी भी हम ब्रैकेट बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ए की वैल्यू क्या है वन है माइनस साइन और इधर एक्स माइनस वाई, ठीक है ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस वाई आ रही थी इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ। याद रखिएगा जब भी माइनस के बाद दो टर्म्स में आ रहा हो आंसर तो आपने ब्रैकेट करके ही अप्लाई करना है, वरना साइंस में गड़बड़ कर देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पे फर्क पड़ता है, तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा माइनस 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 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करेंगे अप्लाई तो आप एज इट इज क्या लिख देंगे वन माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसलिए याद रखिएगा जब भी माइनस के बाद दो टर्म्स नजर आए तो आपने ब्रैकेट में ही लिखना है, हालांकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस के पास सिंगल टर्म आ रही थी तो मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन जब माइनस के बाद डबल टर्म आएंगे लेकिन एक्स पर दो टर्म्स हैं आपको नजर आ रही तो आपने इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। इट इज क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपने इसको सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन मैं आपको बल्कि होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज से और आप उसकी समझ के काम कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिनसे सवाल आते हैं तो, और ये आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को एट क्लास में, तो आपको एक रिविजन है तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ के काम करना है। अब अपना होमवर्क देख रहे हैं आप लोग, नाउ स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ एंड सिक्स पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2। फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करना है आप लोगों ने और फार्मूलाज को समझते हुए काम करना है आप लोगों ने। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, इस होमवर्क को कंप्लीट करिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। हमारा लेन है लेलर बला।